सब कह रहे हैं यू वॉचिंग रवि ऑन डिमांड। फिर से आज का जो वीडियो को बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि आपका मोबाइल क्यों न्यूली लेते ही थोड़े सालों के बाद वो बहुत ही ज़्यादा हैंग करने लग जाता है। देखो, आप कभी भी नया मोबाइल परचेस करोगे तो एक साल या फिर डेढ़ साल बहुत ही अच्छा चलता है, लेकिन थोड़े दिनों के बाद उसमें हैंग का प्रॉब्लम आ जाता है, बहुत स्लो डाउन हो जाता है। तो उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं, उसका सोल्यूशन मैं बताने वाला हूँ, जिसके बाद आपको मालूम पड़ेगा कि भाई हाँ, ये जो प्रॉब्लम है और इसकी जो गलती करते हैं हम जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आता है, वो आप नहीं करोगे। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम है वो बहुत लोग करते हैं, जब आप मोबाइल को यूज़ करते रहते हो तो उसके अंदर जितने भी आप ऐप ओपन करते हो, जैसे कि आपने समझो 5-6 ऐप ओपन किया है जो कि आप डेली यूज़ करते हो। समझो मैं अगर एक इंस्टाग्राम की बात कर ले, तो अगर आप एक इंस्टाग्राम ओपन करते हो, आपने उसको थोड़ा सा यूज़ किया, उसके बाद आपको मालूम है कि आप वो ऐप वापस यूज़ करने वाले हो 5 मिनट के बाद, तो आप क्या करते हो, उसको ना बैकग्राउंड से रन होता रहता ना वो, तो आप उसको ना वहाँ से डिलीट कर देते हो। जबकि आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एक ऐप को रन करते हो और उसको आप कट करते हो, तो जब आप उसको वापस ऐप को ओपन करते हो, तो जो आपका प्रोसेसर उस पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, रैम पर ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है कि वो ऐप को पूरा न्यूली ओपन करे। अगर आपका ऐप एक टाइम पर रन हो रहा है और उसको आप उसी जगह से रन कराओगे, तो आपके प्रोसेसर में उतना या फिर रैम पे उतना भारी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन आप यही गलती करते हो जिसकी वजह से आपका जो रैम है और प्रोसेसर है उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट पड़ता है, और आगे जाके आपका मोबाइल बहुत ही ज़्यादा स्लो डाउन हो जाता है। सो इस वीडियो के सेकेंड पॉइंट की बात कर लेते हैं। आप जब भी मोबाइल को अपडेट करते हो ना, तो आपको कहीं ना बग्स का सामना करना पड़ता है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और इसी की वजह से आपका मोबाइल आगे जाके फ्यूचर में हैंग करने लग जाता है। अब देखो, कंपनी को भी मालूम है कि आपको एक मोबाइल लेके 5-6 साल नहीं चलाना। उनका जो टारगेट होता है कि आप एक मिड रेंज का फ़ोन ले रहे हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल आप चलाओ। इसलिए आपको ना कभी मोबाइल जब आप परचेस करते हो तो उसमें लिख के आता है कि इसके अंदर आपको 5 साल के एंड्रॉयड अपडेट मिलेंगे, 6 साल के सिक्योरिटी पैचेस मिलेंगे। अब ये सब मिड रेंज में नहीं आता, ये सब हाई रेंज में आता है जिसमें आपको 5 साल का अपडेट मिलेगा। इसका मतलब होता है ये 5 साल तक मोबाइल परफेक्ट वर्क करेगा, और उसके बाद ये आपको उसी तरह वर्क करने लगेगा जैसे एक पुराना मोबाइल काम करने लग गया था। कि आपका मिड रेंज फ़ोन है तो इसका से ज़्यादा लाइफ जो होता है वो 2 या फिर 3 ईयर होता है, के अंदर जितने भी एंड्रॉयड अपडेट आते हैं वो आपके लिए सिर्फ बग्स के काम करते हैं, जिसके बाद आपका मोबाइल स्लो डाउन हो जाता है। आपने कभी नोटिस नहीं किया होगा, लेकिन ये कंपनी आपके साथ करती है कि आप एक नए मोबाइल की तरफ देखो और पुराना मोबाइल रख दो। स्टूडेंट, बात कर लेते हैं थर्ड पॉइंट, अब वो है ओवरहीटिंग। अब आप सोच रहे हो कि भाई क्या मैं गेम खेलना छोड़ दूँ, क्योंकि मैं जब गेम खेलता हूँ तो हीटिंग होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ ओवरहीटिंग की, ना कि हीटिंग की। जब आप मोबाइल को यूज़ करते हो तो आपका मोबाइल नॉर्मल हीट होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है वो हीट होता है, लेकिन जब आपका मोबाइल ओवरहीटिंग करने लग जाता है तो आप समझ जाओ कि आपका मोबाइल आगे जाके इन फ्यूचर वो मोबाइल हैंग करेगा। क्यों? क्योंकि ओवरहीटिंग से आपके सीपीयू के थ्रॉटल में जो कि परफॉर्मेंस होता है, परफॉर्मेंस में आपको प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके बाद आपका मोबाइल थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। अब इससे आपके मोबाइल को बैड इफेक्ट ऐसा पड़ता है कि जब आप एक हाई परफॉर्मिंग ऐप यूज़ कर रहे हो और उससे ओवरहीटिंग पे आपके सीपीयू में थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। अभी आपको 1 या 2 दिन में नहीं मालूम पड़ेगा, ये आपको आगे जाके मालूम पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको लगेगा कि हाँ, मेरा मोबाइल है वो थोड़ा स्लो डाउन हुआ। सो मैं बात कर लेते हैं फोर्थ पॉइंट की, जो आपको इस पे भी ध्यान रखना है, वो है मालवेयर्स एंड वायरसेस। देखो, प्ले स्टोर में बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, लेकिन प्ले स्टोर में कुछ कुछ ऐप नहीं अवेलेबल है जो कि आपको क्रोम में मिल जाते हैं या फिर थर्ड पार्टी वेबसाइट में मिल जाते हैं। वो ऐप जब आप डाउनलोड करते हो तो 100% चांस है कि उसके अंदर आपको वायरसेस का सामना करना पड़ता है। और मैं ऐसा ही नहीं बोल रहा हूँ, आप नोटिस करना कि आप अगर 2 मोबाइल को यूज़ कर रहे हो, एक में आप सिर्फ थर्ड पार्टी यूज़ कर रहे हो और एक में एक नॉर्मल फ़ोन में जो आपको एप्लीकेशन मिलते हैं या फिर प्ले स्टोर में जो अवेलेबल हो जाते हैं, वो देखना आपका दोनों के मोबाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा परफॉर्मेंस के टाइम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी भी आप कोई मोबाइल को परचेस कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसमें थर्ड पार्टी ऐप मत करो। सर, जो 4 पॉइंट थे ना, जितने भी मैंने अभी तक बताया, चारों के चारों पॉइंट ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, लेकिन अभी के जो मैं पॉइंट्स बताने वाला हूँ वो आपको डेली बेसिस पे ध्यान रखना है, और इसको अगर आप अच्छे से यूज़ करोगे तो आपका मोबाइल ज़्यादा जल्दी हैंग नहीं करेगा, अच्छा परफॉर्म करेगा। अब वो है स्टोरेज एंड स्पेस। अब देखो, स्टोरेज और आपका जो परफॉर्मेंस है उससे एक डायरेक्ट कनेक्शन भी है। अब अपने आपके मोबाइल में अगर आप फालतू की वीडियो और फोटोज़ या फिर अनयूज्ड ऐप रखते हो जिसको आप यूज़ नहीं करते, डिलीट करो, तो आपको जो परफॉर्मेंस है ना उसमें थोड़ा सा आपको बेटर एक्सपीरियंस देखने मिल जाएगा। जो मोबाइल का स्टोरेज अगर वो फुल हो जाता है तो आपका जो ऐप में रनिंग का टाइम हो जाता है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाता है। एक ऐप ना 5-5 सेकंड लेता है रन करने के लिए। तो आप मोबाइल में जितना स्टोरेज ज़्यादा रखोगे उतने ही आपका ऐप बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। होप करता हूँ कि ये सारे आइडिया आपको अच्छे लगे होंगे और मैंने सारे के सोल्यूशन बता दिया। तो अगर आपको फिर भी कुछ पॉइंट का डाउट रह गया होगा तो भाई कमेंट सेक्शन खुला है, वहाँ पर पूछ लो, सारे के सारे क्लियर कर दूंगा। होप करता हूँ कि वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आएगी चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको ऐसे वीडियो मिलती रहेगी। तब तक के लिए बाय बाय।